हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे मनोरमा इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में और जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर कौन से लेवल्स खरीदारी के बच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी स्टॉक की खरीदारी या बिकवाली में हमारी कोई राय नहीं है, ठीक है? अपने एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर स्टॉक को बाय करें, ठीक है? तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट हमारा क्या कहेगा, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से RSI 60 के ऊपर, ओके? तो हम स्टॉक में खरीदारी करने के लिए सोच सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट 60 के ऊपर आ गया है, 60 के नीचे गया था लेकिन अब 60 के ऊपर आ गया, हम स्टॉक खरीदने के लिए रेडी हैं, ठीक है? यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है 459 रुपए के आसपास, ओके? 459 के लेवल के आसपास हमारा लेवल है, तो यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बनने की संभावना है। दो कंडीशन फिल और हम खरीदेंगे कब, डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हमारी आरएसआई 60 के ऊपर है, बट हमारा जो एंट्री, एक्चुअल एंट्री बनती वो हमारी यहाँ पर बन जानी थी, जो हमारी स्ट्रेटेजी कहती है उसके हिसाब से हमें 363 के लेवल के आसपास इसको बाय कर लेना था, ओके? लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मौका छूट गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर से हमें मौका मिलेगा खरीदारी करने का। यहाँ पर स्टॉक के ट्रेंड लाइन में डालूं तो ये ट्रेंड लाइन का स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, ठीक है? ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग भी हुई, खरीदारी यहाँ पर बन जानी थी, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात करेंगे स्टॉक में एंट्री कहाँ पर ले। तो फ्रेंड्स, एंट्री आपको यहीं पर मिलेगी जहाँ स्टॉक अभी है, ठीक है? एंट्री यहीं पर मिलेगी, स्टॉक इसके आगे अभी इतनी तेजी से नहीं भागेगा, समय अपना स्पेंड करेगा। यहां से ही जो मूविंग एवरेज है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लगभग इसी महीने में आपको एंट्री मिल सकती है या फिर आप एंट्री ले भी सकते हैं। यहां पर आप एंट्री लीजिए 444 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ और फिर आप स्टॉक में बने रहिए, ठीक है? टारगेट की बात करें, टारगेट आपको लगभग 27% का मिल सकता है यहाँ से, यानी कि 590 रुपए तक के टारगेट के लिए आप स्टॉक में जा सकते हैं, ओके? एंट्री का मौका यहीं पर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है? थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है स्टॉक में यहाँ पे इस तरह से, और फिर स्टॉक भागेगा, ठीक है? बाकी आपका एनालिसिस क्या कहता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।